जी हाँ गाइस, इन स्ट्रक्चर को याद कर लो, अंग्रेजी मक्खन की तरह मुंह से निकलेगी। देखिए यहाँ पर जो आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है वो है अभी तक। अभी तक आप अपने सेंटेंसेस में बहुत बोलते हो ना कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम अभी तक सो रहे हो, तुम अभी तक स्कूल नहीं गए। तो अभी तक के लिए आपको यूज करने स्टिल का, ठीक है? अभी तक मीन्स स्टिल। जैसे कि तुम अभी तक जाग रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मैं नहीं खेल रही हूँ, मैं गेम नहीं खेल रही हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। अब मैं सोने बोल कर आ गई, मैं रूम में जाकर फोन चला रही हूँ। आप अगर मुझे देखोगे कि आप मैं अभी तक नहीं सोई हूँ, तो आप बोलोगे ना कि तुम अभी तक नहीं सो रही हो। तो अभी तक जो हमने अपने सेंटेंसेस में यूज किया, उसके लिए ही स्टिल वर्ड का यूज किया जाता है। तो तुम अभी तक जाग रहे हो, इसे हम बोलेंगे यू आर स्टिल अवेक। यू आर स्टिल अवेक मतलब तुम अभी तक जाग रहे हो। तो याद क्या कर लेने हैं, जहां भी आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में अभी तक आएगा, वहां पे आपको स्टिल वर्ड का यूज करने हैं। मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ, आप तो चले गए हो, आप वीडियो नहीं देख रहे हो, लेकिन मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ। तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी आई एम स्टिल टीचिंग। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे बिकॉज ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। तो आई एम स्टिल टीचिंग यानी कि मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ। आपका जो टेंसेस है उसके हिसाब से आप ये सेंटेंस फ्रेम करोगे, बस आपको अभी तक स्ट्रक्चर का यूज करने हैं स्टिल का, ठीक है? मैं अभी तक सीख रहा हूँ, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, वो है जब तक। अब ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जब तक आप बोलोगे मैं पढ़ाई करूँगा, जब तक मैं ना बोलूँ तुम उठना मत, तुम पढ़ने से उठना मत, ओके? तो जब तक यानी कि अंटिल का यूज़ करना है। जब तक तुम बोलोगे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तो पहले आप क्या करने हैं, मैं इंतज़ार करूँगा, पहले आपको ये सेंटेंसेस को बना लेने हैं। मैं इंतज़ार करूँगा, हम बोलेंगे आई वेट फॉर यू। आई वेट, आई विल का कॉन्ट्रैक्शन मैंने यहाँ पर आई का यूज़ किया, ठीक है? फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है तो कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ कीजिए। तो आई वेट फॉर यू मतलब मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक तुम बोलोगे, यानी कि अंटिल यू स्पीक। You speak. अब आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि मैम आपने तो सेंटेंसेस गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गागे की देख रहे थे कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, यहाँ भी गागे की था, तो हमने आई विल का यूज किया, यानी कि फ्यूचर में इसे ट्रांसलेट किया। लेकिन जब तक तुम बोलोगे, इसमें तुम बोलोगे यानी कि ये भी तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो आपने यहाँ पर विल का यूज क्यों नहीं किया? तो गाइज, जब ये जो जब तक है ना, ये एक तरह से कंजंक्शन है, ठीक है? ये छोटे छोटे जो हमारे स्ट्रक्चर के रूप में आप इसे यूज कर सकते हो, ये कंजंक्शन है। तो एकदम याद रख लीजिएगा, अगर कंजंक्शन के साथ कोई फ्यूचर का सेंटेंसेस आता है, तो उसे फ्यूचर में ना ट्रांसलेट करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट किया जाता है। तो जब तक वाला जो सेंटेंसेस भले ही फ्यूचर का है, लेकिन उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही फॉलो करेंगे, और उसके अदर जो सेंटेंसेस बच जाते हैं वो अगर फ्यूचर के रहते हैं तो उसे फ्यूचर में बनाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है? जैसे जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ाई करोगे, जब तक मैं ना आऊं, तो आप अंटिल का यूज, जो यूज आपने अंटिल का यूज मिडिल में किया था, वो फ्रंट में भी आप कर सकते हो। आप ये सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, अंटिल आई कम, जब तक मैं ना आऊं, अंटिल आई कम तुम पढ़ाई करोगे, यानी कि यू विल स्टडी। यू विल स्टडी, जब तक मैं ना आऊं तुम पढ़ाई करोगे, अंटिल आई कम यू विल स्टडी, ओके? नेक्स्ट इज, जब तक आप बोलोगे मैं सुनूंगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और याद रखिएगा, जब तक वाले सेंटेंस अगर फ्यूचर में रहते हैं, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, और बाद बाकी जो सेंटेंसेस भले वो फ्यूचर का होता है, तो उसे फ्यूचर में बनाया जाता है, ओके? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा जहां तक। जहां तक के लिए आपको यूज करने एज फार एज, जहां तक उसका सवाल है वो पढ़ाई करना छोड़ चुका है, जहां तक मेरा सवाल है मैं एक महीने में अंग्रेजी सीख लूंगा, तो जहां तक यानी कि एज फार एज, ओके? जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तो हम क्या बोलेंगे, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, एज फार एज आई नो यू।
एज फार एज आई नो यू, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ एज फार एज आई नो यू। अब देखिए यहाँ पे बहुत सा इसके अदर भी आपका सेंटेंस हो सकता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम पढ़ाई करते हो, इसके बाद में सेंटेंस आ सकता है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस इसीलिए लिए हैं क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में जो इंग्लिश बोलते हैं ना, यानी कि सुबह से शाम तक जो अंग्रेजी बोलते हैं, वो काफ़ी छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस लिया है। और ये एक तरह से कंजंक्शन है, तो अगर आप इसके लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस भी सीखना चाहते हो तो आप मेरी कंजंक्शन वाली वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा, उनमें आप लोगों को इसके लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस और शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रक्चर्स करवा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है जहाँ तक उसका सवाल है, यहाँ भी आप याद रखिएगा एज फार एज के साथ अगर आपका फ्यूचर का सेंटेंस होता है, यानी कि गागेगी आते हैं, तो भी उसे हमें प्रेजेंट इनडेफिनिट में ही ट्रांसलेट कर, याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ तक उसका सवाल है, जहाँ तक उसका सवाल है, वह पढ़ाई छोड़ चुका है, तो हम बोलेंगे एज फार एज ही इज कंसर्न्ड, एज फार एज ही इज कंसर्न्ड, यानी कि जहाँ तक उसका सवाल है, एज फार एज ही इज कंसर्न्ड। ओके, जहाँ तक वह मुझे पहचानती थी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारे स्ट्रक्चर है दूर दूर तक। अभी देखिए मैं हमने तक तक वाला, अभी तक, उसके बाद था जब तक, जहाँ तक, अब हम बात करेंगे दूर दूर तक। सारे तक वाले सेंटेंस देख रहे हैं, दूर दूर तक यानी कि अफल्ट, अफल्ट का यूज करेंगे। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने वहां दूर दूर तक एक भी आदमी नहीं देखा, तो दूर दूर तक यानी कि अफल्ट का यूज करेंगे। जैसे तुम इतनी दूर दूर की क्यों सोचते हो, कोई पर्सन होता है ना कि बहुत दूर दूर, बहुत लंबी लंबी सोच सोचता है, यानी कि आप बोल सकते हो तुम इतने दूर दूर की क्यों सोचते हो, तो आप ये सेंटेंस को बोल सकते हो Why do you, why do you think, why do you think Affeld, why do you think Affeld, यानी कि तुम इतना दूर दूर के क्यों सोचते हो। देखिए गाइज, इसमें से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसके अगर आप गूगल ट्रांसलेट करोगे तो आपको लगेंगे हाँ ये तो मैम से मैच नहीं हो रहा, ये थोड़े अलग ही मैम बता दी है। तो गाइज बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो कि अगर आप कोई इंग्लिश मूवीज देखोगे या फिर सबटाइटल्स के साथ अगर आप कोई भी देखते हो, कोई इंग्लिश वाली सोर्स देखोगे ना, तो वहाँ पर आपको ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना सिखाया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं, ऐसे फ्रेजेस का यूज किया जाता है जिसका गूगल्स के हिसाब से बिल्कुल इनकरेक्ट होता है, लेकिन स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अगर आप अफील्ड का यूज अगर आप देखोगे गूगल में, तो हो सकता है कि आपको गलत मिल जाए, लेकिन गाइज ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये एकदम बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके, तो तुम इतना दूर दूर के क्यों सोचते हो, वाई डू यू थिंक अफील्ड। नेक्स्ट है वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, तो हम बोलेंगे वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, देयर वॉज नो मैन, देयर वॉज नो मैन अफील्ड, देयर वॉज नो मैन अफील्ड, यानी कि वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। दूर दूर तक, दूर दूर की बातें मत किया करो, या इसका आंसर आप कॉमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी तक तक वाले हम कर रहे हैं, ठीक है। अब है यहां से वहां तक, फिर तक आ गया, यहां से वहां तक यानी कि फ्रॉम हियर टू देयर, तुम यहां से वहां तक, तुम यहां से स्कूल तक चले जाना, तो यहां से वहां तक अगर जनरली आपके सेंटेंसेस में यहां से वहां तक आते हैं, तो उसके लिए आपको फ्रॉम हियर टू देयर का यूज करना है, ठीक है। जैसे तुम यहां से वहां मत जाओ, तुम यहां से वहां मत जाओ, तो हम बोलेंगे यू डोंट गो, You don't go from here to there, from here to there. तुम यहाँ से वहां मत जाओ, you don't go from here to there. देखिए अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों के लिए इंग्लिश में सेंटेंसेस पूरा लिखा लिखा मिल जाएगा, हिंदी वाले सेंटेंस भी लिख देती हूँ और इंग्लिश वाले सेंटेंस भी, अगर मैं लिखा हुआ रहता तो मैं बस रीडिंग करती और आप लोग सुनते, लेकिन मैं जो समझा रही हूँ आपके सामने कैसे ट्रांसलेट कर रही हूँ मैं वो दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट इसके इंग्लिश वाले सेंटेंस भी लिखा लिखा आप लोगों को मिल जाए और हिंदी भी आप लोगों को लिखा लिखा मिल जाए, तो बस एक तरह से रीडिंग हो गया कि मैं रीड करके आपको दिखा रही हूँ, तो वो तो खुद आप लोग ही रीड कर लोगे। मैं यहाँ समझाने आई हूँ, रीडिंग करने नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ ट्रांसलेट करो और अभी के अभी सारी चीज़ों को कवर कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आप यहां से वहां तक दौड़ो, अगर आपको किसी को बोलना तुम यहां से वहां तक दौड़ो, तो आप बोल सकते हो यू रन, ठीक है, दौड़ो यानी कि यू
रन, पास्ट का सेंटेंस है, तुम यहां से वहां तक दौड़ो, यानी कि यू रन, एक तरह से यहाँ पर रन होगा, ठीक है। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस है, आप किसी को आज्ञा दे रहे हो, तुम यहां से वहां तक दौड़ो, ठीक है, दौड़ा ऐसा नहीं बोल रहे, ठीक है। तो यू रन फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम हेयर टू देयर, तुम यहां से वहां तक दौड़ो, आप किसी को आज्ञा दे रहे हो, यू रन फ्रॉम हेयर टू देयर, वह चीजों को यहां से वहां करता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में देना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब है नेक्स्ट आज तक, तक फिर वाल तक वाले सेंटेंस, तो आज तक यानी कि येट, आज तक मैंने तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा है, आज तक मैं ये काम नहीं कर पाई हूं, तो आज तक यानी कि येट, जैसे मैंने आज तक उससे बात नहीं की, मैंने आज तक उससे बात नहीं की, तो हम बोलेंगे आई हैवंट, हैवंट को कॉन्ट्रैक्ट, हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैवंट होता है, ठीक है। आई हैव नॉट, एक मिनट, आई हैव नॉट टॉक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टॉक्ड टू हिम येट, मैंने आज तक उससे बात नहीं की है, आई हैव नॉट टॉक्ड टू हिम येट, मैंने आज तक उसे नहीं देखा है, मैंने आज तक उसे नहीं देखा है, तो हम बोलेंगे आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन हिम येट, आई हैव नॉट सीन हिम येट, यानी कि मैंने आज तक उसे नहीं देखा है, मैंने आज तक पिज्जा नहीं खाया, यहाँ पर खाया होगा, ठीक है, मैंने आज तक पिज्जा नहीं खाया है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हमारा नेक्स्ट है वैसे नहीं, वैसे नहीं, नॉट लाइक दैट, ये वैसे नहीं करना है, आपको वैसे अंग्रेजी नहीं सीखनी है, तो वैसे नहीं यानी कि नॉट लाइक दैट, नहीं के लिए आप नॉट लगाओगे और वैसे के लिए लाइक दैट, ओके। सेंटेंसेस देखिए, मैंने वैसा नहीं बोला, मैंने वैसा नहीं बोला, ओके, तो वैसा और नहीं का जिक्र किया गया है, मैंने वैसा नहीं बोला, तो हम बोलेंगे आई डिडंट से, पास्ट का सेंटेंस है, आई डिडंट से लाइक दैट। अब देखिए डिड नॉट में हम लोगों ने नॉट का यूज कर दिया, ये डिडंट जो है इसमें नॉट है, ठीक है, और लाइक दैट का यूज कर दिया, तो आई डिडंट से लाइक दैट, मैंने वैसा नहीं बोला, ठीक है। आपको वैसे नहीं करना चाहिए, आपको वैसे नहीं करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू शुड नॉट डू लाइक दैट, यू शुड नॉट डू लाइक दैट, यानी कि आपको वैसे नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू लाइक दैट, ओके। उसने वैसा नहीं समझा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कॉमेंट में देना। तो नहीं के लिए यहाँ पर नॉट का यूज किया गया है और वैसे के लिए लाइक दैट का यूज किया गया है, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऐसे नहीं, अभी हम लोगों ने देखा वैसे नहीं, अब है ऐसे नहीं, तो वैसे नहीं लाइक दैट, और ऐसे नहीं नॉट लाइक दिस, दिस ऐसे नहीं, नॉट लाइक दिस, ओके। जैसे तुम्हें ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड नॉट टॉक, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, यानी कि आपको ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, ओके। तुम्हें ऐसे नहीं बर्ताव करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं बर्ताव करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू शुड नॉट बिहेव, यू शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, तो हम बोलेंगे एक मिनट यहाँ दिस होगा, आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे यू शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, जैसे कि आपको ऐसे नहीं सोना चाहिए, यू शुड नॉट स्लिप लाइक दिस, आपको ऐसे अंग्रेजी नहीं सीखना, ऐसे अंग्रेजी नहीं सीखने चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश लाइक दिस, ओके। तो इस तरह से यानी कि आपको पहले यू का यूज करना, अगर आप आपका सब्जेक्ट का पहले यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको किसी को एडवाइस दे रहे हो तो शुड, या फिर आप अपने टेंसेस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, देन आपको नॉट का यूज करना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे, देन आप उसके अकॉर्डिंग आपके टेंसेस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मेन वर्ब का यूज करोगे, उसके बाद आपको लास्ट में लाइक दिस का यूज करने हैं। तो ऐसे अगर आएगा तो दिस, और वैसे आएगा तो दैट, ठीक है, वैसे नहीं नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं नॉट लाइक दिस, ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब है ये नहीं, ये नहीं यानी कि नॉट दिस, ये नहीं यानी कि नॉट दिस, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पास्ट का सेंटेंस है, हम बोलेंगे आई डिड नॉट, आप कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज कर सकते थे, आई डिड नॉट डू दिस,
आई डिड नॉट डू दिस, तो यहाँ पर नॉट का यूज़ किया, यहाँ पर दिस का यूज़ किया, ठीक है। मैंने ये नहीं किया, जैसे मैं आप कोई गलत काम हो गया है तो मम्मी ने बोला कि तुमने किया क्या ये, तो मैं बोलूँगी मैंने ये नहीं किया, तो मैं क्या बोलूँगी, आई डिड नॉट डू दिस, ओके। नेक्स्ट है उसने ये नहीं कहा था, उसने ये नहीं कहा था, तो हम बोलेंगे ही डिड नॉट से दिस, ही डिड नॉट से दिस, उसने ये नहीं कहा था, तो हम बोलेंगे ही डिड नॉट से दिस, मैंने ये नहीं पढ़ा था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ओके। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे आज फिर। आज फिर को इंग्लिश में बोला जाता है अगेन टुडे, जैसे आज फिर तुम आ गए, आज फिर तुम स्कूल नहीं गए, तो आज फिर यानी कि अगेन टुडे। ये एकदम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ये बहुत सारे स्टूडेंट के पास जा पाएगी। आप जितना कमेंट करोगे, आप जितना लाइक करोगे, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे, उतना इसका रिच बढ़ेगा और बहुत सारे नए नए स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाएगा। और ये ऐसा तरीका है, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके जरिए आप बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। आपको ग्रामर आते हैं और आप कंफ्यूज हो कि और इंग्लिश बोलने के लिए क्या करें, तो गाइस यही सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आप सीखिए, देखिए आप बहुत ही कमाल की अंग्रेजी बोल पाओगे, ठीक है। तो शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए सेंटेंस क्या है, आज फिर तुम वहां जा रहे हो, आज फिर तुम वहां जा रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, तुम जा रहे हो यानी कि यू आर गोइंग देयर, तुम वहां जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर। आज फिर यानी कि अगेन टुडे, अगेन टुडे, तो हमारा सेंटेंस हो गया आज फिर तुम वहां जा रहे हो, तो हम बोलेंगे यू आर गोइंग देयर अगेन टुडे। आज फिर तुम स्कूल नहीं गए, तो आज फिर तुम स्कूल नहीं गए, यहाँ पर पास्ट में वो स्कूल नहीं गया, यानी कि पास्ट में वो स्कूल नहीं गया, यानी कि डिडंट का यूज़ करेंगे। डिड नॉट अलग अलग आप यूज़ कर सकते हो, या फिर कॉन्ट्रैक्शन में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यू डिड नॉट गो टू स्कूल, आज फिर के लिए अगेन टुडे का यूज़ करेंगे, अगेन टुडे। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, आज फिर तुम स्कूल नहीं गए, यू डिडंट गो टू स्कूल अगेन टुडे। आज फिर तुम आ रहे हो, इस सेंटेंस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा इतना ही नहीं, इतना ही नहीं उसने मुझे चाय भी पूछा, यानी कि उसने पानी तो मुझे पूछा ही, इतना ही नहीं उसने मुझे चाय के लिए भी पूछा। तो इतना ही नहीं यानी कि नॉट ओनली दिस, Not only this, इसके साथ but also का भी use होता है, लेकिन अगर आपके sentences में बल्कि का sense आता ना, तो हम वहाँ पर but also का use कर देते, लेकिन यहाँ पर हमारा आधा sentence है, इतना ही नहीं not only this, इतना ही नहीं उसने मुझसे चाय भी पूछी, तो हम क्या बोलेंगे, इतना ही नहीं यानी कि not only this, not only this, उसने मुझसे चाय के लिए भी पूछी, तो हम बोलेंगे he also Ask me for tea. For tea. तो हमारा सेंटेंस हो गया नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो आस्क मी फॉर टी, ओके। इतना ही नहीं उसने मुझे मारा भी, गाली तो दिया, इतना ही नहीं उसने मुझे मारा भी। तो इतना ही नहीं यानी कि नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं उसने मुझे मारा भी, यानी कि ही ऑल्सो हिट मी, ही ऑल्सो हिट में, उसने मुझे मारा। देखिए मारना पीटना, तो पीटने की अगर आप बात करोगे तो बीट वर्ड का यूज़ कर देना, जान से मारने की बात करो तो किल का यूज़ करना, और जैसे नॉर्मली आप किसी को हिट कर देते हो ना, मतलब मारते हो, ठोकने लगते हो, ठीक है, जैसे भाई अपनी बहन को मारते हैं ना, ठोक देते हैं ऐसे जब तब, तो वहाँ पर हिट वर्ड का यूज़ करना, ओके। इतना ही नहीं मैंने उसका साथ भी दिया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा अभी नहीं, अभी नहीं यानी कि नॉट नाउ, मुझे अभी नहीं खाना है, मैं अभी स्कूल नहीं जाऊंगा, तो अभी नहीं मीन्स नॉट नाउ, मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं अभी नहीं जाऊंगी, तो आई विल आप अलग अलग यूज कर सकते हो, या तो आप कॉन्ट्रैक्शन में आई का यूज कर सकते हो, आई विल नॉट गो नाउ, आई विल नॉट गो नाउ, या फिर आई विल नॉट गो नाउ, आई विल नॉट गो नाउ, ओके, मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं उससे अभी नहीं बात करूंगी, मैं उससे अभी बात नहीं करूंगी, तो हम बोलेंगे आई विल नॉट, कॉन्ट्रैक्शन में मैं यूज कर सकती हूँ, ठीक है, आई विल नॉट, एक मिनट, आई विल नॉट टॉक टू हिम,
अभी नहीं यानी कि राइट नाउ, राइट नाउ। तो हमारा सेंटेंस इस तरीके से हो गया, आई विल नॉट टॉक टू यू राइट नाउ। ओके, मैं अभी नहीं खाऊंगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में दे रहा। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, अब है आज ही आज, आज ही आज। इसके लिए हम यूज करेंगे ओनली फॉर टुडे, ओनली फॉर टुडे यानी कि आज ही आज। जैसे मैं आज ही ये काम खत्म करूंगा, यानी कि करूंगा, मैं आज ही ये काम करूंगा, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे मैं ये काम करूंगा, फ्यूचर का सेंटेंस है तो हम बोलेंगे आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूंगा, आई विल डू दिस वर्क आज ही यानी कि ओनली फॉर टुडे, ओनली फॉर टुडे। मैं आज ही ये काम करूंगा, आई विल डू दिस वर्क ओनली फॉर टुडे। मैं यहाँ आज ही आज रुकूंगा तो हम बोलेंगे ये भी फ्यूचर का सेंटेंस है, आई विल स्टे हियर ओनली फॉर टुडे। हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया आई विल स्टे हियर ओनली फॉर टुडे, यानी कि मैं यहाँ आज ही आज रुकूंगा, मैं आज ही आज यहाँ से जाऊंगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आजकल। अभी हम आज ही आज वाले सेंटेंस करें, देखिए आजकल, आज ही आज, ये और भी बहुत सारे अभी आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ भी आज की बात, तो बहुत सारे अभी आज आज वाले आपको स्ट्रक्चर दिखने वाले हैं। तो आजकल इसके लिए ना बढ़िए, जैसे बोलते हैं आजकल क्या चल रहा है, आजकल तुम क्या कर रहे हो, आजकल तुम कहाँ रहते हो, तो आजकल यानी कि नावडेज, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आजकल तुम बहुत बिजी रहते हो, आजकल तुम बहुत बिजी रहते हो, You are very busy. तुम बिजी रहते हो nowadays. आजकल तुम बहुत बिजी रहते हो, यू आर वेरी बिजी nowadays. आजकल आप दिखाई नहीं देते हो, तो हम क्या बोलेंगे, आजकल आप दिखाई नहीं देते हो, आई डोंट सी यू, मतलब मैं आपको नहीं देख पाती हूँ, नहीं दिखाई देते हो, आई डोंट सी यू nowadays. ओके, आजकल तुम मेरे घर नहीं आते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा आज के बाद। आज के बाद मींस आफ्टर द डे, आज के बाद मींस आफ्टर द डे, आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूंगी, आज के बाद इसके लिए हम यूज करेंगे आफ्टर द डे, आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूंगी, आफ्टर द डे I want, will not का contraction want, talk to him. आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूंगी, after the day I won't talk to him. Okay? Next, आज के बाद तुम अपनी शक्ल मत दिखाना, आज के बाद तुम अपनी शक्ल मत दिखाना, don't show your face, मतलब तुम अपना शक्ल मत दिखाना आज के बाद, यानी कि after the day, आज के बाद तुम अपनी शक्ल मत दिखाना, डोंट शो योर फेस आफ्टर द डे, आज के बाद मैं वहां नहीं जाऊंगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, एक एक सेंटेंस आप लोगों के लिए कमेंट में है ताकि आप लोग इसे अच्छे से फ्रेम कर पाओ और अभी के अभी ये सारे स्ट्रक्चर्स का यूज अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में कर पाओ। नेक्स्ट है राइट अवे, राइट अवे यानी कि तुरंत ही, मैंने तुरंत ही उसे फोन किया, वो तुरंत ही घर से निकल गया, तो तुरंत ही यानी कि राइट अवे, मैं आपको तुरंत ही फोन करूंगा, तो हम बोलेंगे आई विल कॉल यू राइट अवे, मैं आपको तुरंत ही कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू राइट अवे। उसने मेरे मैसेज का तुरंत ही जवाब दिया, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे she replied to my message, उसने मैसेज का जवाब दिया तुरंत ही, यानी कि राइट अवे, उसने मेरे मैसेज का तुरंत ही जवाब दिया, she replied to my message राइट अवे, वह तुरंत ही घर से निकल गया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारा एट फर्स्ट यानी कि शुरुआत में, एट फर्स्ट यानी कि शुरुआत में, जैसे कि शुरुआत में मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड थी, जैसे कोई काम है जिसमें आप शुरुआत में कंफ्यूज थे, तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो आई वॉज अ लिटिल कंफ्यूज्ड,
आई वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज शुरुआत में, यानी कि एट फर्स्ट. एट तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया एट फर्स्ट. तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया आई वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज एट फर्स्ट, मतलब शुरुआत में मैं थोड़ी कन्फ्यूज थी. शुरुआत में मेरे लिए इंग्लिश बोलना मुश्किल था. शुरुआत में मेरे लिए इंग्लिश बोलना मुश्किल था, यानी कि इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए मुश्किल था टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, टू स्पीक इंग्लिश. शुरुआत में यानी कि एट फर्स्ट, एट फर्स्ट. तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश एट फर्स्ट, शुरुआत में मेरे लिए इंग्लिश बोलना मुश्किल था. नेक्स्ट है शुरुआत में मैं नर्वस थी. ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में देना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है. सो गाइज नेक्स्ट और लास्ट हमारा स्ट्रक्चर है फॉर नाउ. फॉर नाउ का मतलब होता है फिलहाल. फॉर नाउ मीन्स फिलहाल, जैसे कि फिलहाल के लिए आज मेरे घर रुक जाओ, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ना, तो फिलहाल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर नाउ. फिलहाल के लिए आज मेरे घर रुक जाओ, यानी कि स्टे एट माई हाउस. स्टे एट माई हाउस, मेरे घर रुक जाओ फिलहाल के लिए, यानी कि फॉर नाउ. तो हमारा सेंटेंस हो गया स्टे एट माई हाउस फॉर नाउ. फिलहाल के लिए तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो. फिलहाल के लिए तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो. यू कैन यूज़ माई फ़ोन. यू कैन यूज़ माई फ़ोन, तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो फिलहाल, यानी कि फॉर नाउ. फिलहाल के लिए तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो. यू कैन यूज़ माई फ़ोन फॉर नाउ. फिलहाल के लिए थोड़ा खा लो. ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना. तो गाइज ये थी हमारी टोटल 18 स्ट्रक्चर्स, जो कि बहुत ही छोटे छोटे थी और मैंने तीन तीन एग्जांपल्स दिए, जिसमें से मैंने दो एग्जांपल आप लोगों के सामने ट्रांसलेट करके दिखाए हैं, ताकि एक सेंटेंसेस अगर आपको समझ में नहीं आते तो दूसरा जब ट्रांसलेट करूंगी तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएंगे. और एक सेंटेंस तब आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, ताकि आप लोग अभी के अभी वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो का जो भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उसका आंसर दीजिए, देन आप कंटिन्यू कीजिए. इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलोगे. आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा. इंग्लिश आपकी जुबान से मक्खन की तरह फिसलेगी. मैं सिर्फ ऐसे मजाक नहीं कर रही हूँ कि जुबान से आपकी फिसलेगी, नहीं, आप पक्का अंग्रेजी बोल पाओगे अगर आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते अगर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा. अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी. और हाँ गाइस, अगर आपको ऐसे और भी स्ट्रक्चर्स चाहिए जहाँ पर मैंने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बताए हैं, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स वाली वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा. और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पर आपको कन्फ्यूज़न है वो टॉपिक पर आप वीडियो विजिट कर सकते हो. या फिर अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा वीडियो पहले देखूँ कौन सा वीडियो बाद में देखो, तो गाइज उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगी, जहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको कब कौन से वीडियो देखनी चाहिए और कैसे देखनी चाहिए, जिससे आपकी इंग्लिश सुधर जाए. तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग.